आज से करीबन एक हफ्ते पहले पबजी मोबाइल बैन हुई थी और सारे पबजी मोबाइल गेमर्स की दुनिया पलट गई थी, पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी, भूचाल आ गया था और इनको ऐसा लगने लग गया था यार अब हम करेंगे क्या। मतलब पबजी मोबाइल का ही तो एक काम था हमारे पास में, वो भी छीन लिया। मतलब 2 सितंबर तक सब कुछ सही चल रहा था, एकदम ही इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर बाद में मारो मुझे कोई, मारो मैं कोई मंदिर का घंटा हूं कि कोई भी आके बजा जाता है, कभी टिकटॉक बैन, कभी पबजी बैन। तो ये देखो क्या होता है कि एडिक्शन चढ़ जाता है लोगों पे। अब ये एडिक्शन इतना ज्यादा चढ़ गया था पबजी मोबाइल का कि इस मास एडिक्शन को छुड़वाने का एक रास्ता था पबजी बैन। इसके बाद में पबजी छोटा कि नहीं छोटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा कि नहीं छोटा? छोटा, क्या टेंशन है। सो अब इनके उदास चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाएगी इस खबर को सुनने के बाद में कि भैया 2 सितंबर को पबजी मोबाइल बैन हुआ था। और अब जाके खबर ये आ रही है कि पबजी कॉरपोरेशन, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने पबजी पीसी बनाया था, कंसोल के लिए पबजी बनाया था, लेकिन उसको कन्वर्ट किया था टेंसेंट ने। दरअसल इन्होंने अपने मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइजी इन्होंने टेंसेंट को दे दी थी, जो कि चाइना की कंपनी है, और इसके बाद में इन्होंने ही सारी दुनिया पर राज किया था और इन्होंने इसको फैला दिया था दुनिया भर में। लेकिन अब जाके जब पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर, तो इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी टेंसेंट से ले ली है सिर्फ इंडिया के अंदर ऑपरेट करने की, कि यहाँ पर अब तुम कोई कंट्रोल नहीं करोगे पबजी मोबाइल को, जिसका हवाला देते हुए अब ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पबजी मोबाइल को दोबारा से ऑनलाइन लाया जाए इंडिया के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखो लॉस टेंसेंट का नहीं हुआ है, यहाँ पर साउथ कोरिया की कंपनी का लॉस हुआ है, जो कि पबजी कॉरपोरेशन है, जिसका पबजी पीसी तो अब इतना अच्छा नहीं चल रहा जितना पबजी मोबाइल चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा लॉस है इनके लिए एक इंडिया जैसी मार्केट को खो देना, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलियन एक्टिव प्लेयर थे। हालांकि डाउनलोड तो बहुत करोड़ों लोगों ने कर रखी है, लेकिन एक्टिव प्लेयर थे 50 मिलियन, उनको खोना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी एक न्यूज आ रही थी कि एक 15 साल के लड़के ने अपने ग्रैंडफादर का अकाउंट लेके 2 लाख रुपए उसमें से यूज कर लिए, जो कि उनके पेंशन का अकाउंट था, और उसके बाद में वो मैसेज भी डिलीट कर दिया इसी तरीके से जैसे कि एक पंजाब के 16 साल के लड़के ने अपने माँ बाप की पेंशन, कमाई, जो भी सेविंग थी वो लुटा दी थी 16 लाख रुपए के करीब की पबजी मोबाइल के अंदर। तो खैर ये तो वो बात है, लेकिन इतना प्रॉफिट तो वो इन्हीं से कमा रहे थे मतलब। और यहाँ पर टेंसेंट का तो खैर बेड़ा गर्क ही हो गया है, क्योंकि एक तो COD मोबाइल चली गई उनके हाथ से, उसके बाद में अब पबजी चली गई, और इसके बाद में वी चैट की बात हो रही है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति चल रही है टेंसेंट की, और इनके शेयर तो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि करीबन $42 बिलियन का लॉस तो मैंने अभी आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था जो इनको शेयर मार्केट के अंदर हुआ है। सो यहाँ पर मेन बात यही है कि पबजी कॉरपोरेशन चाहता है कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर दोबारा से ऑनलाइन हो, इसलिए इन्होंने चाइना की टेंसेंट कंपनी से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, और इसके बाद में अब ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसे ऑनलाइन किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए, ये जो चाइनीज एप्लीकेशन बैन की गई है या गेम बैन की गई है, ये इस वजह से बैन नहीं की गई कि हमारी कोई चाइना से दुश्मनी है या फिर चाइना के अगेंस्ट है हम, और उस वजह से की गई है। ऑन पेपर बात बता रहा हूँ, ऑन पेपर अंडर 69A ऑफ IT एक्ट लगाकर इनको बैन किया गया था, जो हमारे इंडिया के डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लोगों के पर्सनल डेटा की वजह से सिक्योर रखने के लिए उनको ये बैन की गई है। तो इस वजह से इनको बैन किया गया था, ना कि इस वजह से कि ये चाइना से हमारी कोई दुश्मनी है, ये है वो है। लेकिन ये जब इशू सामने आए तो इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की, जो कि होनी चाहिए, चाहे किसी और कंट्री की भी एप्लीकेशन हो, उनके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन होगी वो इंडिया के रूल्स को, लॉ को फॉलो करेगी। अब देखो एप्पल की बात ले लो, एप्पल की जरा सी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया एपिक गेम्स ने, इन्होंने उसको ही धक्के मार के निकाल दिया। और ये तो एक कंट्री है जहाँ पर ये छोटी मोटी एप्लीकेशन को निकाला गया, मतलब एक कंट्री के सामने पबजी मोबाइल क्या है, टिकटॉक क्या है। तो अगर ये रूल्स और लॉ जो हमारे हैं उनको फॉलो करेंगे और उसी तरीके से चलेंगे जो गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट ने रखी है, तो ये चलेंगे यहाँ इंडिया के अंदर। अब देखा जाए तो टिकटॉक भी वापस आ सकता है, जो कि ByteDance, जो कि चाइना की कंपनी है, उसी का है ये, तो ये भी आ सकता है। अब हो तो बात ऐसी रही है कि ये बिक जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन एक बात ये भी आ रही थी कि मुंबई के अंदर अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं और वहीं पर सारा डेटा वेटा सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, और पबजी मोबाइल की बात की जाए तो शायद पबजी मोबाइल अगर आई इंडिया के अंदर दोबारा से, तो वो शायद
इंडियन ही ऑपरेट कर रहे होंगे, किसी इंडियन कंपनी को ही दे दी जाएगी फ्रेंचाइजी की भैया तुम ही ऑपरेट करो इंडिया के अंदर, तो शायद इस तरीके की चीज़ हो सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में हो जाएगी, दो महीने में हो जाएगी, इसमें महीनों लग सकते हैं, क्योंकि अभी टिकटॉक को ही देख रहे होंगे कई महीनों से अपने जूते की तरह। खैर टिकटॉक की तो बात ही अलग है, वो पूरी पूरी चाइना की है, तो यहाँ पर ये साउथ कोरिया की कंपनी है, उनके पास सारे राइट्स हैं, वो चाहे तो इसको इंडिया को दे दे, वो चाहे तो इसको टेंसेंट को दे दे, मतलब किसी भी कंपनी को अपने राइट्स दे सकते हैं कि भैया तुम ऑपरेट करो यहाँ से। तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है, लेकिन इस पर कोई भी श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि भैया ये इतने महीने में आ जाएगी, उतने महीने में आ जाएगी। देखो, वेट करो और दूसरी गेम में ट्राई करो। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली हुई है।